बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और मैं सूरज रास, और आज की वीडियो देखने वाला जो भी छात्र बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में है, ध्यान से देखिए इसको, बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में है, तो इसमें क्या है कि बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए हम एक पेपर लेके आए जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट ये पेपर का नाम हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। ये देखो, ये लिखा है बिजनेस मैनेजमेंट पेपर का नाम हो जाएगा और है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। हम बात करेंगे 2022 में आने वाले क्वेश्चन। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 85% प्लस आपके पेपर में छपेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन क्या होगा बेटा, बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको चैनल को क्या कर लेना है, अभी सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे और भी चैनल है जिसका आपको होम पेज पर जाकर, जब चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ और भी चैनल मिल जाएंगे, जैसे कि बी कॉम बाई पेपर हैकर जिसमें हमारी बी कॉम की सारी वीडियो मिलती हैं, बी एस सी बाई पेपर हैकर जहाँ बी एस सी की सारी वीडियो मिलती हैं, बी ए बाई पेपर हैकर जहाँ बी ए की सारी वीडियो मिलती हैं, ट्रिपल सी पेपर हैकर जहाँ ट्रिपल सी की सारी वीडियो मिलेंगी, पैट पेपर हैकर जहाँ पैट की सारी वीडियो मिलेंगी, हाई स्कूल बाई पेपर हैकर जिसमें हाई स्कूल की वीडियो मिलेंगी, नाइन्थ बाई पेपर हैकर जहाँ नाइन्थ के सीबीएसई बोर्ड के अलग हम चैनल बना रखे हैं, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना चाहता है उसके अलग चैनल से पढ़ेंगे, और जो यूपी बोर्ड का छात्र है जैसे कि एनसीईआरटी है लेकिन वो हिंदी बोर्ड से है तो उसके लिए अलग से आप पढ़ेंगे। मतलब हमने आपको सब कुछ दे रहे हैं जो आपको चाहिए। जी हाँ, आपको जो चाहिए, क्योंकि हम आपकी भावनाओं को और आपके दिल में क्या चल रहा है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है पेपर हैकर को। और हाँ, जैसे ही एप्लीकेशन बनेगी हमारी लोग, हम उस पर लाइव आएंगे, मतलब हम एप्लीकेशन पे ही सब कुछ अपना विजिट करेंगे, बेहतरीन तरीके से हम करेंगे, कंटेंट जो लेके आएंगे बेहतरीन लाएंगे, सबसे अलग लेके आएंगे, बेस्ट लेके आएंगे, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उनके आंसरों को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि केवल आप वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है, आप वो कभी ना पढ़े जो पेपर में नहीं आ रहा है। समझ रहे ना, आप वो पढ़े जो पेपर में आ रहा है, बाकी आप वो कभी ना पढ़े जो पेपर में नहीं आ रहा है। तो आपको चैनल को क्या कर लेना है, अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि आज हम ये देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर है इसमें हम कौन से क्वेश्चनों को याद करें और कौन से क्वेश्चनों को छोड़ दें। ठीक है, चलो चलो ध्यान से फटाफट अपने बुक को, नोट्स को, गैस पेपर को ओपन कर सकते हैं। यदि आपके पास नोट्स बुक गैस पेपर नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट paperhacker.in पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही डाल रखा है। जाओ लिंक पर टच करो और अपना क्या कर लो, आप क्या करेंगे, लिंक पर टच करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आए, बहुविकल्पी आए, तो भी आप उसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसकी अलग है, और इसके रिटन जो आपका आपका पेपर आएगा रिटन वाला, उसकी अलग है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी में कैसे पेपर हो रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए सिलेबस को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्वेश्चन मैच करेंगे सारे इसके सारे, अब बस याद करने की देरी है आपको और अपने बुक पर टिक लगाने की देरी है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हमारी अवधारणाओं के ऊपर उपस्थित है। जैसे कि यहाँ बोला गया है प्रबंध, प्रबंध की अवधारणा क्या होती है, कार्य और प्रबंध प्रक्रिया के बारे में, और प्रबंध क्या है। देखिए, मैंने यहाँ बता दिया प्रबंध, पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि प्रबंध होता क्या है, प्रबंध क्या है, प्रबंध की अवधारणाएं कौन सी हैं, कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है, वर्क फंक्शन किस तरीके से करता है, और उनकी प्रबंध प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस के बारे में हमसे पूछ लिया है। वहीं आपसे सिद्धांत पूछा है कि प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है, प्रबंध की सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब एक क्वेश्चन है, आपको अलग अलग लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में याद कर लोगे, और ऐसा करना है आपको धीरे समझ के पढ़ना है, और जब आप पढ़ लोगे ना तो एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रबंध की अवधारणाएं पढ़ लेना, उनके कार्य क्या है, प्रबंध होता क्या है, प्रबंध की परिभाषा पढ़ लेंगे, और प्रबंध का सिद्धांत, उनकी सीमाएं, प्रबंध कला और विज्ञान क्या है, प्रबंध कला और विज्ञान क्या है, ये देख लेंगे, बस इतना आपको यहां देखना है। प्रबंध की भूमिकाओं के बारे में, अब प्रबंध है तो उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, कुछ रूल तो होंगे, कुछ फंक्शन तो करता होगा, तो वही हमसे रूल्स के बारे में पूछ रखा है कि उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, उसके बाद में है नियोजन क्या होता है, नियोजन माने होता है नियोजन किसी को क्या करना है, नियोजन के महत्व और उद्देश्य, नियोजन क्या है, नियोजन की परिभाषा आपको बता देनी है, नियोजन मतलब किसी को चुनना,
ठीक है, वही नियोजन कराता है। उसके महत्व क्या होते हैं और देश के, जैसे कि हमने नियोजन कराया ठीक है कि निर्वाचन, निर्वाचन चुनना, नियोजन ठीक है, वो चीज आप लोग देखना है, नियोजन के बारे में देखना है। और यहाँ है आपका निर्णय, कह सकते हैं निर्णयन, जो निर्णयन होता है निर्णय हो लेना ठीक है, जिसे हम निर्णयन बोलते हैं कि निर्णय ले लिया हमने, क्या कर लिया, एक निर्णय ले लिया कि भाई मैं आज मैं ये क्वेश्चन को याद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। निर्णय लेना मतलब शपथ लेना, कार्य मतलब निर्णय ले लिया, शपथ ले ली भाई आज मैं करके रहूंगा कुछ भी, और निर्णय ले लिया। तो निर्णय लेने का एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। यह है समष्टि नियोजन की विशेषता, देखो यह है समष्टि नियोजन, आप जब नियोजन पढ़ लेंगे तो आप उसके बारे में समष्टि नियोजन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, याद हो जाएगी उसकी विशेषता और उनकी व्यावसायिक संगठन। अब एक क्वेश्चन अलग से आता है जो शॉर्ट में बनेगा कि व्यावसायिक संगठन क्या होता है, बिजनेस संगठन आपसे पूछा है, मैनेजमेंट से बोलते हैं ठीक है, ये आपको देख लेना है। व्यवसाय संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। केंद्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, क्या अवस्था है, क्या अस्थ है, मतलब केंद्रीयकरण किसे कहते हैं, केंद्रीकरण किसे कहते हैं, केंद्रीकरण की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा आपसे ठीक है। और उसके बाद में गठन की परिभाषा, गठन की परिभाषा और सिद्धांत को पढ़ लेना, गठन क्या होता है, गठन की रचना कोई जरूरत तो नहीं पढ़ने की, ये पढ़ लेंगे आप लोग ठीक है। कार्यनीति की परिभाषा और उनके प्रकार, कार्यनीति क्या होती है, फंक्शन मतलब कार्य के, कार्य करने की नीति, कार्य करने का तरीका क्या है, वो कार्यनीति के अंतर्गत रखा जाता है। संदेश वाहक बोला गया है जिसे प्रेषण बोलते हैं, उसके अवस्थ परीक्षण मतलब कि आपसे पूछा गया कि संदेश, संदेश वाहन जिसे संप्रेषण बोलते हैं, संप्रेषण की क्या बोलता है परिभाषा आपको बता देना है। आशय का मतलब होता है परिभाषा, भाई आपको परिभाषा बता देना है, क्या आश है ठीक है, संप्रेषण से क्या आश है, संप्रेषण है क्या, उसकी परिभाषा, तो आपको परिभाषा याद कर लेना, संप्रेषण की परिभाषा क्या होता है, ये आप एक क्वेश्चन याद करेंगे। नेतृत्व, नेतृत्व की क्या समझते हैं, नेतृत्व की परिभाषा आपको यहाँ याद कर लेनी है ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ याद कर लेना है। ये क्वेश्चन याद कर लेना है आपको। उसके बाद में कौन सा आता है, नियंत्रण, नियंत्रण क्या होता है, देखिए नियंत्रण, नियंत्रण की परिभाषा और उसके महत्व को देख लेना है। प्रबंधकीय नियंत्रण क्या होता है, तो ठीक है प्रबंधकीय, यहां देखो प्रबंध, प्रबंधकीय होगा ठीक है बेटा, प्रबंधकीय नियंत्रण क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। प्रबंध का विस्तार घटक क्या होता है, इसे सब बता रखा है। गठन के जीवन ये आप देख लेना कि जो संगठन के जीवन में परिवर्तन एक वास्तविकता है, ये आपसे कथन पूछता है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संगठन में, संगठन के जीवन में परिवर्तन एक वास्तविकता है, इस पर कथन पर पुष्टि करिए ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, बात खत्म हो गया, थोड़ा से क्वेश्चन और है टिक लगा लीजिए। उसके बाद में है परिवर्तन से क्या है, मतलब परिवर्तन क्या है, बदलाव क्या होता है और बदलाव करने का क्या कारण है, मतलब कोई इंसान बदलता है, मतलब किसी चीज में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो उसका कारण क्या होता है, परिवर्तन करने का कारण क्या होता है, हम उसमें कुछ ना कुछ सुधार ला रहे हैं ठीक है, वो चीज आपको यहाँ देखना है। और यहाँ बोला गया है प्रशासन, प्रशासन क्या है और प्रबंध के कार्य मैं ऊपर बता चुका हूँ, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है। आप ये देखिए प्रबंध के प्रमुख लक्षण क्या है, तो एक बार लक्षण को पढ़ लेना, ऊपर आपको दे रखे हैं सब कुछ वहीं याद हो जाएगा। एक सिद्धांत आपको मिल रहा है जो हेनरी जो फ्याल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, उसको आप पढ़ लेना ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। उसके बाद में आपको देखो मिलता है भारतीय प्रबंध कथाओं पर चर्चा, जो प्रथा थी ठीक है, प्रथा थी चली आ रही है पहले से, कथाएं चली आ रही है, प्रथाएं चली आ रही है, प्रथा का मतलब पहले से चली आने वाली कथाएं जिसे कहते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं भारतीय जो प्रबंध प्रथा है उस पर चर्चा करिए, उस पर मतलब प्रथाओं के बारे में बताना है कि भारत में जो प्रबंध थे उनकी प्रथाओं पर, जो पहले से प्रथा चली आ रही है कि भाई ये मैनेजमेंट रहेगा, ये संभालेगा, ये पद संभालेगा, तो वो चर्चा कर रही है आपको, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है बना बना के, जो भी है एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट, जो आपको ऑब्जेक्शन बताना है यहाँ, बाई ऑब्जेक्शन मतलब कि यहाँ को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है, इसको छोड़िए खत्म ठीक है। सम्मिलित नियोजन की विशेषता उनका, यहाँ देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाएगा पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। देखो संगठन में ऊपर बता चुका हूं, इसमें आपसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से पूछा है संगठन कैसे होता है
ठीक है। और ये विभागीकरण मैंने आपको केंद्रीकरण बता दिया, ये आ गया विभागीकरण क्या होता है। विभागीकरण पर शॉर्ट में क्वेश्चन टॉपिक आ सकता है। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यूपी के अंदर, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर रिटन एग्जाम हो रहा है, तो उनके लिए क्या है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बाकी एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता ही हूँ। आप मुझे कंफर्म करिए कि सर मेरा कल पेपर होने वाला है, इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, प्लीज एक बार बता दीजिए मैं क्या क्या पढ़ लूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए, ये है अभिप्रणा। ठीक है, अभिप्रणा के एक्स और वाई सिद्धांत को क्या करना है, स्पष्ट करना है। आप ये क्वेश्चन बस पढ़ के चले जाइए 2022 के एग्जाम में। आप इतने क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से कमान कस ली है, तो आप समझ लीजिए कि आप टॉपर की लिस्ट में आने वाले हैं। किसमें बेटा? आप टॉपर की लिस्ट में आने वाले हैं, और ये लिस्ट कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को याद रखिए। तो आपको बस मेहनत करनी है, थोड़ी से संघर्ष करना होगा। और आपने विदिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।